हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस और सेवा आयोग, बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर 2019 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, इसका फॉर्म 22 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है और बहुत लोग लास्ट डेट पूछ रहे, तो यहाँ पर देखिए 25 सितंबर जो है वो आपका लास्ट डेट होगा। इससे पहले आप फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन होने लगता है, बाद में बहुत लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भरने लगते हैं। इसमें चार प्रकार का पोस्ट है, जिसमें से आपको ये तीन पोस्ट जरूर भरना है। लेवल 6 का 2 पोस्ट है और सबसे बिजोड़ अगर पूछा जाए तो ये है सार्जेंट का पोस्ट। इसमें सबसे मस्त पोस्ट है, बहुत कम है लेकिन सबसे मस्त यही आपका जॉब है। फिर आपका ये दरोगा का आता है, फिर ये आता है। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या सर इसका जो भी है, जो जो हमसे सवाल पूछा गया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यही था कि सर फिजिकल पर मेरिट बनता है, और फिर रिटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे कि रिटर्न डेट आपका कब होगा, टेंटेटिव आपका डेट कब होगा, और उस बारे में हम लोग पूरा बात करेंगे, क्योंकि मैं उस बारे में बात किया हूँ। ठीक, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इसमें आपको क्या है, सबसे पहले प्रारंभिक होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगा, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल ओनली जो है पासिंग है, फिजिकल क्या है, ओनली पासिंग है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन पासिंग में ही बहुत से लड़के छट जाते हैं। सबसे पहले तो हाइट में बहुत से छट जाते हैं। ठीक, कुछ जो होते हैं सीना फुलाने में छट जाते हैं, कुछ जो होते हैं जैसे कि सीना फुलाने में बहुत कम लोग छटते हैं, दौड़ में सबसे ज़्यादा लोग छटते हैं, और हाई जंप में, दौड़ के बाद हाई जंप में सबसे ज़्यादा लोग छटते हैं। बाकी लंबी कूद और गोला तो सब फेंक देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जो आपका कैटेगरी वाइज बहुत लोग पूछ रहे थे कि वैकेंसी क्या है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, और ये जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है ये सब लड़की का वैकेंसी है। मीन्स कि इस वैकेंसी में से ये जो आरक्षण किया गया है 35% सीट का, वो है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, अलग अलग सीट है। तो ये है, अब आपका मुख्य सवाल ये था कि क्या फिजिकल पर मेरिट लिस्ट बनेगा। जी नहीं, वो सिर्फ पासिंग चाहिए। एक सवाल ये आया था कमेंट बॉक्स में कि सर आई का जो होता है मेरा, आँख उतना अच्छा नहीं है। देखिए, आँख जनरल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, आँख का कोई ये नहीं है। फिजिकली आपको फिट होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल, हम देखिए मेडिकल कोई खास होता नहीं है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका होता है कि सर क्या अदर स्टेट वाला फॉर्म डाल सकते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अदर स्टेट वाला जरूर फॉर्म डाल सकते हैं, बस सर ते वो जनरल में फाइट करेंगे, सामान्य में फाइट करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो ये वाला सीट में फाइट करेंगे, ये देखिए अनारक्षित जो सीट है इसी में फाइट करेंगे। ठीक, महिला पुरुष दोनों, महिला के लिए पुरुष के लिए। तो ये जो है सामान में कोई आरक्षण उनको नहीं मिलने वाला है, सब सिंपल सी बात है, उसको कुछ आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अदर स्टेट से फाइट करने वाला है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय दो बात को ध्यान में रखना है। वहाँ पर पूछेगा आप कहाँ के निवासी हैं, बिहार के हैं या अदर स्टेट को, तो बिहार के जगह पर आपको क्रॉस नोम लगाना है और अदर स्टेट पर सही लगाना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आपको जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर ये निवास मांगा जाएगा, तो उस समय ये देखा जाएगा आपका। ठीक, अब बात हम करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब से होगा इसका। और ये भी एक सवाल आया था कि क्या सर इसमें जो फ्रीडम फाइटर है उनको छूट मिला गया। जी, इस फ्रीडम फाइटर का 2% सीट है, जैसे बीपीएससी में था, यहाँ पर 41 सीट जो है इन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। फ्रीडम फाइटर का ये बीपीएससी में भी सीट रिजर्व कर दिया जाता है। अब हम लोग आते हैं एग्ज़ाम डेट पर। देखिए, एग्ज़ाम जो डेट है 25 सितंबर तक तो आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, लेकिन एग्ज़ाम डेट के बारे में आज हम बात करते थे। एग्ज़ाम जो डेट है वो थर्ड वीक ऑफ या सेकेंड वीक और थर्ड वीक के बीच में ही आपका नवंबर में एग्ज़ाम होगा, इतना समझ लीजिए। और मुझे जहाँ तक जानकारी दिया गया है कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये 17 नवंबर को होगा, क्योंकि उसी दिन संडे पड़ रहा है तो उसी दिन एग्ज़ाम होगा। ठीक, तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ, ये मैं बता रहा हूँ, बात करके ये पता चला है। ठीक, बाकी आपका ऑफिशियल भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा इस बारे में कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, जैसे फॉर्म आप ख़त्म करते हैं भरकर। तो ये जो एग्ज़ाम होगा ये 17 नवंबर को, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी जो है वैकेंसी को पूरा करना है, मतलब कि मेंस लेकर फिजिकल लेकर जल्दी, क्योंकि इस वैकेंसी के बाद एक और वैकेंसी इंतजार कर रहा है आपका दरोगा का। ठीक, और इतना ही के करीब, इससे कम नहीं, इतना ही के करीब आपका वो भी पोस्ट होगा, तो इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। तो मुझे जहां तक जानकारी दिया गया है कि 17 नवंबर को जो संडे पड़ रहा है उसी दिन आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, या उसी वीक में सेकेंड या थर्ड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, ये संभावना है। अब आपका, आपसे ये पूछा जा रहा था कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए, पिछले साल का क्वेश्चन मुझे 100 का 100 क्वेश्चन मेरे पास है, मेंस का भी प्रीलिम्स का भी। ठीक, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका, क्योंकि बहुत लोग आए थे क्वेश्चन बताए थे, और मैं सबसे पहले ही सब अपडेट कर दिया था अपने ये चैनल पर कि उस समय 11 मार्च था एग्ज़ाम जो हुआ था पिछला बार 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो एक सवाल आपसे उसी एग्ज़ाम से जो आया था वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, और आपको सभी लोगों को प्लीज़ सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब एक सवाल आ रहा था बार बार कमेंट में, बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में बहुत से लड़के पूछ रहे, क्योंकि कन्फ्यूज़ है उनका कि अगस्त में आएगा कि नहीं। देखिए, बिहार पुलिस का हर चीज़ फाइनल कर लिया गया है, फिजिकल का भी फाइनल कर लिया गया है, लेकिन सिलेबस पर अभी डाउट है। सिलेबस के बारे में अभी ये चल रहा है कि सिलेबस पहले वाला ही रखा जाए या नया लाया जाए, क्योंकि मैं भी उसी डाउट के चलते अभी तक वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूँ, बीच में रुका हूँ पास सेट देने के बाद।
तो जैसे ही वो डाउट क्लियर हो जाता है मैं आपको बताऊंगा भी, और इसीलिए आपका लेट भी हो रहा है कि सिलेबस के चलते, मेन सिलेबस के चलते, क्योंकि सिलेबस जो है पिछले बार आपको पता होना चाहिए कि चेंज हुआ था, ऑप्शनल वाला डाला गया था, तो उसी के चलते लेट हो रहा है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछना था मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपके सामने सवाल है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था एसआई का, ये क्वेश्चन आया था, और समझिए ये क्वेश्चन जो छोड़ा होगा उस पर क्या बीत रहा होगा, क्योंकि ये सबके जबान पर होता है। और सभी लोगों से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों से ये इसका आंसर देना है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, सभी लोगों को देना है, ठीक। तो ये ज़रूर बताइएगा, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और सब आपका डाउट क्लियर करता हूँ। और एक और था कि जैसे कि आपका जो बहुत लोग ये कह रहे थे कि मैं जनवरी का जो डेट रखा था कट ऑफ 1 जनवरी 2019, उसके पहले वाले ही फॉर्म डाल सकते थे, अब उसे बढ़ा दिया गया है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। अब 1 अगस्त 2019 कर दिया गया है, तो 1 अगस्त 2019 से पहले जिनका रिजल्ट आया हुआ है वही फॉर्म डाल सकते हैं। जैसे कि आपका रिजल्ट पर दिखे, रिजल्ट के ऊपर यहाँ पर डेट लिखा रहता है, वो 1 अगस्त 2019 से पहले होना चाहिए, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।